वेलकम एवरीवन। ओके, हम बात कर रहे थे रेटिनल डिटैचमेंट के। नाइवो सेलिंगियों के दो तरह की होती है, एक जो उसी वक्त हुई है और कुछ उसे फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, और ओल्ड तब कहते हैं जब उसे हुए हुए 3 महीने, साल या उससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ठीक है, फ्रेश फ्रेश जब होती है ना, आपका रेटना का कोई पोर्शन डिटैच होता है तो उसमें आपको एकदम से ब्लड वेसल्स जैसे ये पोर्शन है, ठीक है, ज़्यादा डायलेटेड टॉर्चस नज़र आती है, और उसका कलर होता है ग्रे से कलर का। ठीक है, ग्रे कलर का है ब्लड वेसल्स, और ब्लड आर्टरी वेन का कलर सेम हो जाता है, बस इतनी सी बात है। और ओल्ड में जो मेन चीज़ होती है वो है आपको रेटना थिन और एट्रोफीड नज़र आएगा, और हो सकता है कि आपको जो पिगमेंट एपिथीलियल सेल्स हैं ये देखेगा, इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन रेटना थिन और एट्रोफीड होते हैं, और आपको पिगमेंट एपिथीलियल सेल्स कई बार हाइपरट्रोफी होते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो रेटना से सेंसिटिव रेटना से डिटैच हो चुकी होती है। तो दिस इज़ द ओल्ड रेटनल डिटैचमेंट। अच्छा, अब इसका जो डायग्नोसिस है ना, वो बेसिकली आप डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी, यानी कि वो जो आपका छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो अपनी लेबोरेटरी में आपने देखा होगा, वो हाथ में पकड़ के हम जैसे डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी आंख में करते हैं, फंडोस्कोप जिसे हम कहते थे, वो इतना अच्छा इस वजह से नहीं, क्योंकि उससे आपको पेरिफ्रीज ऑफ रेटिना नज़र नहीं आते, तो पेरिफ्री में डिजीज़ हो तो मिस हो सकती है। इस वजह से आपका जो इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप है, जो आपको डिटेल में आपका पूरा रेटिना विद द पेरिफ्री दिखाता है, वो इसमें ज़्यादा अच्छा है, और वो आपको बता देता है कि पेरिफ्री में कोई ब्रेक है या नहीं। और जो आप कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो गोल्ड मैन थ्री मिरर इमेज है। गोल्ड मैन थ्री मिरर इमेज एक आपका ऐसी इमेज बनाता है, इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो आपको रेटना को सारा आप समझ ले 3D इमेज उसकी दिखा देते हैं कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है। तो ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। और उसके बाद आप जाहिर है अल्ट्रासाउंड, अगर स्पेशली जो बी स्कैन अल्ट्रासाउंड होता है, वो आपको पूरी ऐसे, उसमें आप अल्ट्रासाउंड बी स्कैन देखें ना, आपको ऐसे करके अल्ट्रासाउंड की पिक्चर में पूरी आई बॉल आगे से पीछे तक नजर आती है, तो उसमें तो आपको क्लियर कट सब नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट में आपको सर्जिकली ही डिफेक्ट को ठीक करना पड़ता है, और उस सर्जरी के लिए आपने सबसे पहले, जाहिर सी बात है कि आपने देखना है कि डिफेक्ट है कहाँ पे। जब आप सर्जरी करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपने सबसे पहले जो ये अगर सेंसरी रेटना है और ये रेटनल पिगमेंट एपिथेलियम इनके दरमियान में जो फ्लूइड आया होगा, उसको पहले आपने रिमूव करना, उसे सक करना है। ठीक है, सर्जरी का ये स्टेप होता है आपका। और उसके बाद आपने ये जो ब्रेक बना हुआ है, ठीक है, फ्लूइड निकाल दिया, उसके बाद जो आपका सेंसरी रेटना में ये ब्रेक बना हुआ है ना, सपोज ये पूरा ब्रेक था, आपने इस ब्रेक को लेज़र के ज़रिए सील करना है, मतलब आपने ये ब्रेक बंद करना है ताकि मज़ीद फ्लूइड पीछे ना जाए। उसके बाद आपने इन दोनों को आप समझे कि क्लोज करना है, पिगमेंट एपिथीलियम को और सेंसरी रेटना को, और इन दोनों के ऊपर आपने प्रेशर बैंड अप्लाई करके उसे जोड़ देना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए। ठीक है, ब्रेक आपने क्लोज किया ताकि फ्लूइड मजीद ना आए, और इन दोनों को जोड़ दिया। फिर वो जो जोड़ने का तरीके, उसमें स्क्लेरल बकलिंग और न्यूमेटिक रेटिनोपेक्सी, ये दोनों तरीके होते हैं, जिसमें आप बेसिकली ये करते हैं कि आप ना जो स्क्लेरल बकलिंग वाला पोर्शन है, उसमें आप यह करते हैं कि आपने यहाँ पर इन दोनों के ऊपर एक एक्सटर्नल रिंग मतलब प्रेशर अप्लाई कर देते हैं इन दोनों को जोड़ के, ताकि यहाँ पर जो चीज़ हमने रखी है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी। इन्फ्लेमेशन जब वो कॉज करेगी तो इस जगह पर उसके रिजल्ट में जब वो ठीक होगी तो एक स्कार टिश्यू बनेगा, फाइब्रोसिस होगा, और वो टिश्यू दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा होता है, मतलब इसमें जाहिर सी बात है एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन का एक तरीका होता है, ये वाली इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और बाकायदा सोच समझ के किया जाता है, ऐसे ही नहीं होता कि आप पर्सन को ठीक करने की वजह ब्लाइंड कर दें। तो दिस इज द मतलब सिंपलेस्ट तरीका है जिसे मैंने आपको बता दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी सारी पैथोजेनेसिस और जो रेटनल होल वो सब कुछ है, तो आपको वो आना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रैक्शनल रेटनल अटैचमेंट की। अच्छा जी, तो अब हमने बात करनी है नॉन रेगमेटोजीनस टाइप ऑफ रेटनल अटैचमेंट की, जिसमें रेटना में प्राइमरीली सेंसरी रेटना में कोई ब्रेक नहीं बनेगा, लेकिन कोई और चीज़ है जो कि रेटना को खींचेगी, जिसकी वजह से वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, और वो कोई और चीज़ क्या होती है, वो जाहिर सी बात है आपका विट्रस ह्यूमर होता है जो उसे खींचता है। तो ट्रैक्शनल रेटनल अटैचमेंट में क्या है, ये अंदर की तरफ से विट्रस ह्यूमर, ये जो सारा पड़ा हुआ है जिसके साथ आपका रेटना अटैच्ड है, ये ऐसे करके रेटना को इस तरफ खींचेगा, बिकॉज इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, और जब ये रेटना को खींचेगा तो पिगमेंट एपिथीलियम से सेंसरी रेटना अलग हो जाएगा और डिटैच हो जाएगा, उसे हम ट्रैक्शनल रेटनल अटैचमेंट कहते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हैं, सबसे पहले इसका कॉज है, जब सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब आपको याद है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को आप रिवाइज करें तो उसकी ना हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी, और उनमें से हमने कहा था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक स्टेज आती है जिसे हमने कहा था प्रोलीफरेटिव स्टेज होती है। वो जो प्रोलीफरेटिव स्टेज होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नियोवेस्कुलराइजेशन हो रही होती है, नई वेसल्स और फाइबर्स बहुत बन रहे होते हैं। ये जो नए वेसल्स और फाइबर्स बन रहे होते हैं ये रेटिना में होते हैं, और रेटिना की भी लेयर कौन सी, सेंसरी लेयर में। ठीक है, तो जब ये नए वेसल्स और फाइबर्स बहुत ज़्यादा नए न्यू रेटना में बन रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड, जाहिर सी बात है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के पूरे पैथोजेनेसिस में तो नहीं मैं जाऊँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं।
मतलब उसको आप देख एक दफ़ा बेशक वीडियो को दोबारा देख लें, उसमें जो प्रोलिफरेटिव स्टेज थी, थर्ड स्टेज थी, उसमें देर वॉज एक्सट्रीम नियोवेस्कुलराइजेशन और इंक्रीज इन फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स इन रेटिना. ठीक है, ये फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स इस रेटिना पे बहुत ज़्यादा पुल पैदा करती हैं, इसमें जोर डालते हैं, जिसकी वजह से खिंच के पिगमेंट एपिथीलियम से अलग हो जाते हैं. तो पहली एक ट्रैक्शनल रेटिनल अटैचमेंट की ये वजह होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी. फिर यही चीज़ हो रही होती है, अभी हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी में, आरओपी में. आरओपी में भी क्या होता है, जब बच्चे को ऑक्सीजन से बाहर निकालते हैं तो एकदम से न्यूवेस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वो न्यूवेस्कुलराइजेशन जब रेटना में होती है तो वही रेटना पे प्रेशर पड़ता है और वो ट्रैक्शन होती है, वो खिंचता है और पिगमेंट एपिथीलियम से अलग हो जाता है. तो दूसरी कॉज है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी. फिर तीसरी कॉज है आपके पास कोई भी आपका जो पोस्टीरियर सेगमेंट में, यानी आपके विट्रस यूनो कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ है जिसने रेटना को खींच लिया और आगे कर दिया. ठीक है, फिर आपके पास अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके पास एक कंडीशन होती है, आपने लेंस वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ये सॉरी कितना बुरा बन गया, कि आपका कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लेंस है या फिर लेंस अपनी जगह से प्यूपिल वाली जगह पे है नहीं, मतलब उसको हम कहते थे एफेकिया. ठीक है, सपोज कंप्लीट एब्सेंस है, इस एब्सेंस ऑफ लेंस की वजह से विट्रस ह्यूमर आपके इंटीरियर चैम्बर में जा सकता है, और जब वो उधर जाएगा तो जाहिर वो रेटिना को अपने साथ खींचेगा एंड इट विल कॉज रेटिनल अटैचमेंट. तो आपकी तीसरी कॉज है एफेकिया. ठीक है, पहली थी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, और उसके बाद आपका एफेकिया आ जाता है. मैंने आपको बताया ट्रॉमा हो सकता है, उसके अलावा कोई हेमरेज हो सकता है कोई विट्रस ह्यूमर में, जिसकी वजह से ये रेटना खिंच जाए, जाहिर विट्रस ह्यूमर में एकदम प्रेशर बढ़ेगा और रेटना को अपने साथ खींच लेगा. तो ये सारी ट्रैक्शनल के कॉजेज हैं. ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के होते हैं, आपको नजर आएगा इस जगह पर पूरा एक बैंड बना हुआ. मैं आपको भी डायग्राम दिखाते हैं, आपको ऐसे लगेगा यहाँ पर एक बैंड लाइक ग्रोथ है. बेसिकली क्या होता है कि आपका विट्रस विद रेटिना आगे आए हुए होते हैं, यहाँ खाली स्पेस बन चुकी होती है. ठीक है, विट्रियो रेटिनल बैंड मिलता है आपको, और आपका जिस जगह पर ट्रैक्शन होती है वो आपको बड़ी क्लियर नजर आती है, भी देख लेते हैं. ठीक है, और इसमें फिर आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है कि जाहिर सी बात है कि जो विट्रस आपका सारा आगे आया हुआ है उसको आपने रिमूव करना है. तो पार्स प्लेना से आप जाते हैं, पार्स प्लेना इज द पॉइंट इन द सिलरी बॉडी, यहाँ पर एक सिलरी बॉडी का पोर्शन होता है जहाँ पर वेसल्स नहीं होती, तो इसलिए वहाँ ब्लीडिंग नहीं होती. आप उधर से जाते हैं और आप इसको विट्रेक्टमी करते हैं, रिमूव करते हैं, और जो बाकी विट्रस को रिमूव करके जो रेटिना है उसे नहीं रिमूव करना, रेटिना को आपने दोबारा से पिगमेंट एपिथीलियम के साथ जोड़ना है, उसी तरह जिस तरह आपने पिछले में जोड़ा था बाय द टेम्पोनाड, यानी कि आप गैसेस देते हैं और उनमें प्रेशर डालते हैं या फिर उसमें एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, फिर वो बियॉन्ड आर स्कोप है, तो बहरहाल वो क्रिएट करके आप उसको जोड़ देते हैं. डायग्राम देखते हैं, यह देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है, इस वजह से पूरा एक वाइट स्कार टिश्यू बन गया, बहुत क्लियर कट बैंड बन गया. ठीक है, सो दिस इज द ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट की. आपके ऐसी क्यूज में आता नहीं होता, लेकिन जाहिर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है ये. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो अगर एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट तब है जब आपका ये अगर रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है और ये आपका उसके बाद आ जाता है सेंसरी रेटिना. ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं. फिलहाल रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम के पीछे एक पतली सी छोटी सी जगह है ब्रुक्स मेम्ब्रेन वाली, उसको छोड़ देते हैं एंड देन वी हैव द कोरोइड. ठीक है, ये कोरोइड है नीले वाला जिसमें पड़ी हुई है कोरियो कैपिलरीज. अगर आपकी कोरियो कैपिलरीज किसी भी वजह से कोई वो टॉर्चस बुलस हो जाए, मतलब उनका दिल करे वो फट जाए, वो इन्फ्लेमेशन कर दे, मतलब कुछ भी हो जाए उनमें इस तरह का कि वो हेमरेज और लीकीनेस कर दे फ्लूइड की, वो लीकीनेस भी करें बिटवीन रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम एंड ये वाला जो है सेंसरी रेटिना यहाँ पर, तो वो यहाँ पर जाहिर सी बात है या तो उनका सीरस फ्लूइड होगा या फिर उनका पूरा ब्लड अगर जो भी उनमें से निकलेगा कैपिलरीज में से, कोरियो कैपिलरीज है यहाँ पर, हो सकता है कि उतनी इतनी जगह वो दें कि वो खाली फ्लूइड बाहर निकाले, हो सकता है वो पूरा ब्लड यानी ब्लड सेल्स के साथ निकाल दें, तो फ्लूइड आ जाएगा बिटवीन दीज टू लेयर्स और ये दोनों डिटैच हो जाएंगी. इसको हम कहते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है, अब इसके कॉजेस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसके कॉजेस में आपका पीछे प्रॉब्लम आ रहा है कोरियो कैपिलरीज में. कैपिलरीज में प्रॉब्लम आ सकते हैं किसी भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में, सपोज यूवियाइटिस था, कोरोइड है ना, कोरोइड यूवियल ट्रैक्ट है, तो यूवियाइटिस था, इन्फ्लेमेशन हुआ था, इन्फ्लेमेशन में होता है वेसल्स में परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो अपने फ्लूइड में वेसल्स में से फ्लूइड बाहर निकलते हैं, एडिमा होता है, तो वो एडिमा की वजह से ये भी हो गया. कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, हो सकता है आपने क्रायोथेरेपी यानी आप फ्रीजिंग सर्जरी कर रहे थे, वो जरूरत से ज़्यादा कर दी है, वेसल्स को डैमेज कर दी, कोई भी आप सर्जरी कर रहे हैं आई की जिसमें वेसल डैमेज होगी, हो सकता है पीछे कोरोइड के पीछे क्या पड़ा हुआ है, स्क्लेरा पड़ा हुआ है. ठीक है, अगर स्क्लेरा की कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है तो स्क्लेराइटिस की वजह से भी आपकी वेसल ऑफ द कोरोइड इन्फ्लेमेम हो सकती है और वो निकल सकता है बाहर. ठीक है, इसी तरह आपका अगर कोई ट्यूमर है रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसकी वजह से भी हो जाता है.
अब आप इसके क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो यहाँ पर फ्लूइड इन दोनों के दरमियान में ना मसला इधर है ना मसला इधर है, मसला तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड इन दोनों के दरमियान में ना, इसने इन दोनों को ऐसे मोबिलिटी सी बना दिया, मतलब ये मोबाइल हो जाता है इसमें रेटिना। आपका फ्लूइड कभी नीचे शिफ्ट होता है, जिधर ग्रेविटी उसे लेके जाती है उधर फ्लूइड शिफ्ट होता है और रेटिना मूवेबल सा हो जाता है, ठीक है। तो ये बुलस और मूवेबल सा रेटिना इसमें आपको मिलता है और ग्रेविटी की तरफ फ्लूइड शिफ्ट होता रहता है। तो ट्रीटमेंट आपने इसमें कॉज की करनी है बेसिकली सबसे पहले, और जो भी कॉज है, सपोज कभी हाइपरटेंशन की वजह से भी आपकी वेसल्स एकदम से फटती हैं और फ्लूइड निकल जाते हैं, तो अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई इन्फ्लेमेशन है, उसको आप ट्रीट करेंगे तो फ्लूइड खुद ही उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा और मजीद सिक्रीशन बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें रेटिना ठीक है। और अगर इतना ज़्यादा डिटैच हुआ था, मतलब अभी तो सिर्फ फ्लूइड बीच में आया ना, रेटिना सेंसरी और पिगमेंट एपिथेलियम दोनों ठीक है, कोई खास उनमें मसला नहीं है। अगर रेटिना ज़्यादा डिटैच हो जाए तो फिर आप उसी तरह से, जिस तरह आपने पिछले तरीकों में किया कि आप किसी भी तरीके से उन दोनों में प्रेशर पैदा करके, चाहे गैसेस से करेंगे चाहे किससे, उनको जोड़ देते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती, आप ट्रीट द कॉज को ट्रीट करें तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट की कहानी खत्म। बहुत अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को, कोई भी बात ना समझ आए मुझसे ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।